हेलो एंड वेलकम. सो लेट्स लुक इनटू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम राउथ एरे. और भी इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन वाइज क्वेश्चन कवर किया, सो यू कैन लुक इनटू दोज क्वेश्चन. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड सो लेट्स लुक इनटू फ्यू ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम राउथ. ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैड ए फॉरवर्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन. फॉरवर्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवेन. डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी. फर्स्ट क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन क्या है? फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल. ठीक है, तो दो केस में ये फाइंड करना है. दो क्वेश्चन है, दो फाइंड करना है. सबसे पहले आप क्या करिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिएगा. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए सिंपली नीचे वाला टर्म प्लस के, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये डिनोमिनेटर वाला टर्म प्लस के, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आ गया. इसके बाद से इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ तक हो गया. उसका फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पे राउथ टेबल बनाएंगे. ठीक है, राउथ टेबल बनाएंगे. तो राउथ टेबल बनाने आता होगा, काफ़ी बेसिक थिंग है. कॉफिशियंट 1, 1, फिर 7, 7, फिर 15, 15, इस तरह से लिखेंगे. पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर उसके बाद से ये. ठीक है, उसके बाद से फिर आप इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन होगा आपका वो 7 × 15. फिर तो ये बेसिक चीज़ है, राउथ टेबल आपको बनाने आना चाहिए और उसका कैलकुलेशन आना चाहिए. अब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि रेंज ऑफ के फॉर क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल. तो क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होने के लिए डैट मीन्स कि राउथ टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, देयर शुड बी नो साइन चेंज. अगर पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो सारा नेगेटिव. तो पॉजिटिव ही रख, ऊपर वाला कॉफिशियंट पॉजिटिव है तो सारा को पॉजिटिव रखना पड़ेगा. डैट मीन्स कि ये कॉफिशियंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए और ये 4 प्लस के भी पॉजिटिव आना चाहिए. तो 4 प्लस के को पॉजिटिव कर दिए, ग्रेटर देन, यहाँ से के का कंडीशन आ गया, के शुड बी ग्रेटर देन 4. नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम ग्रेटर देन 0 करेंगे. तो ये ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आपका यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा कि के जो है, के का वैल्यू लेस देन दिस आ रहा है, यानी कि के का वैल्यू लेस देन 20.4. तो k का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, -4 से 20.4. तो ये इस फॉर दिस वैल्यू जो सिस्टम होगा वो आपका स्टेबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल. मार्जिनली स्टेबल राउथ टेबल दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है कि जो S1 रो है, जो ऑड रो है, उसको आपको जीरो कर देना है. जीरो कर दीजिएगा तो फिर आपको जो S1 का कॉफिशियंट कहाँ से आएगा, तो S1 का कॉफिशियंट लाने के लिए आपको ये एक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है जो कि S2 से बनेगा, S2 का रो से जो बनेगा. ठीक है, तो S2 का रो कौन सा है, ये वाला है. ठीक है, तो इससे आपका एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा. तो वो कितना होगा, 13.14 S2 प्लस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से आपका क्या कर सकते हैं, K का वैल्यू आप कहाँ क्या पुट करिएगा, ये वाला K का मैक्सिमम वैल्यू 20.40, क्योंकि K वेरीज करेगा और K जो है आपका रूट लॉग के, सिंपल सा बात है, रूट जो है वो राइट साइड नहीं जाना चाहिए. तो K अगर वेरी कर रहा है तो समवेयर यहाँ पे कट करेगा. तो K का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये मैक्सिमम वैल्यू K का कितना, 20.4. ठीक, अदरवाइज रूट अगर राइट साइड चले गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे के क्या ले रहे हैं, 20.4 ले रहे हैं. यहाँ से आप ओमेगा का सॉल्व कर दीजिए तो ओमेगा इज इक्वल टू 1.36 रेडियन आ गया. और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है और ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. इसमें क्या बोल रहा है कि क्रिटिकली स्टेबल एंड ऑसिलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑसिलेशन दिया हुआ है ये आपका 2.5 रेडियन पर सेकेंड और ये क्रिटिकली स्टेबल है. ठीक, और ऑसिलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2.5. तो आपको क्या पूछ रहा है, ये पी निकालना है और के निकालना है. तो सेम क्या करेंगे हम लोग, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख करके उसके बाद हम लोग राउथ टेबल बनाएंगे. राउथ टेबल बनाने आता होगा आपको. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर क्रिटिकली स्टेबल है तो जो ऑड वाला रो है उसको हम लोग सेट कर दिए 0, यानी कि S1 रो को आप 0, और सारा चीज़ लिखना होगा कि आप S1 रो को क्यों सेट कर रहे हैं 0 और ये एक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं तो S2 का यूज करके. तो जब S1 को सेट करिएगा तो यहाँ से आपका P का वैल्यू आ जाएगा. S1 को 0 पे सेट करेंगे तो यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, P इज इक्वल टू ये टर्म डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा.
तो ये इक्वेशन वन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब आप एक एक्सिलरी इक्वेशन बनाइएगा तो एस स्क्वायर से एक्सिलरी इक्वेशन बनाएगा तो ये क्या बनेगा, पी एस स्क्वायर प्लस टू प्लस टू के। अब यहाँ से आप पी का वैल्यू निकाल दीजिए तो आपका दो इक्वेशन हो गया, वन और टू। वन और टू को सॉल्व करिए, ये भी पी है ये भी पी है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए तो वन सॉल्व करिएगा तो पी इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा, और उसके बाद से फिर पी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो के का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एनी सिस्टम विल ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इफ इट हैज़ नो पोल इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन एंड हैज पोल एट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। सही बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर दैट मेक्स द सिस्टम ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू टू। तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पे दिया हुआ, सेम कहानी सेम स्टोरी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद आपको राउथ टेबल बनाना है। राउथ टेबल बना लिए, ऑसिलेट कर रहा है डैट मीन्स कि आपको इस रो को क्या करना है, जीरो सेट करना है, इससे आपको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो इसको जब आप जीरो सेट करिएगा इस एस वन रो को तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। फिर आप एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, उसमें जो है ओमेगा इज इक्वल टू टू दिया हुआ है, और यहाँ से फिर आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। ये भी ए का वैल्यू हो गया, इक्वेशन टू के भी ए का वैल्यू हो गया, दोनों को सेट कर दीजिए तो यहाँ से आपका के का वैल्यू आ जाएगा। के का ही वैल्यू पूछा है तो के का आ गया, ए का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच विल काउज सस्टेंड ऑसिलेशन इन क्लोज लूप सिस्टम, व्हाट आर द कोरस्पॉन्डिंग ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। सेम स्टोरी, आपको क्या करना है, इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। क्लोज लूप सिस्टम का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो गया, ठीक। उसके बाद से आपको सारा मल्टीप्लिकेशन अच्छे ढंग से कर लीजिए, सारा आपको कोफिशियंट मिल जाएगा। कोफिशियंट मिल गया, उसके बाद से राउथ टेबल बना लीजिए। राउथ टेबल बनाने के बाद आप क्या करिए कि एस वन रो को जीरो सेट कर दीजिए, तो एस वन रो को जीरो सेट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको समहाउ के का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद से एक्सिलरी इक्वेशन आप किससे बनाइएगा, तो एस स्क्वायर रो से बनाइएगा। तो एस स्क्वायर रो से एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से आपको के का वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा, ये वाला, ठीक। तो के का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका 16.5, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, और ओमेगा इज इक्वल टू 4.06 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। इसमें क्या बोला कि इन द फीडबैक सिस्टम सॉन इन फिगर जीएस क्लोज ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ है, यूजिंग राउथ मेथड डिटरमाइन द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल। तो सिस्टम सेम स्टोरी, आपको क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल देना, सही ढंग से निकाल दीजिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद आपको राउथ टेबल बनाना, राउथ टेबल सही ढंग से बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या करना है, सिस्टम टू बी स्टेबल यानी कि फर्स्ट रो जो है आपका, सॉरी फर्स्ट कॉलम जो है, देयर शुड बी नो साइन चेंज इन द राउथ टेबल ऑफ द फर्स्ट कॉलम। तो ये सारा कंडीशन क्या करिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए, तो यहाँ से आपका के का वैल्यू निकल जाएगा, के का रेंज निकल जाएगा फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, टू जीरो एंड ए वेरिएबल गेन के। द जीरो आर लोकेटेड एट जीरो का लोकेशन दिया हुआ, पोल का लोकेशन दिया हुआ। यूजिंग राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्लोज लूप सिस्टम हैज जीरो वन टू पोल्स इन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है, आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जीरो के फॉर वट वैल्यू ऑफ के देयर विल बी नो पोल्स इन द राइट हैंड साइड, फॉर वट वैल्यू ऑफ के देयर विल बी वन पोल इन द राइट हैंड प्लेन, फॉर वट वैल्यू ऑफ के देयर विल बी टू पोल्स इन राइट हैंड। सबसे पहले आप तो जो भी जीरो और ये पोल्स दिया हुआ और जो गेन दिया हुआ उससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिए। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बाद आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दीजिए। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद आप राउथ बनाइए। राउथ बनाने के बाद क्या करना है, अगर आपको जीरो लूप जीरो राइट हैंड साइड में पोल चाहिए तो सारा जो है सारा फर्स्ट कॉलम का ये सारा कोफिशियंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो सबको ग्रेटर देन जीरो कर दिए, सबको ग्रेटर देन जीरो कर दिए, सबको ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए। उसके बाद से इसमें से सबसे कॉमन जो होगा, कॉमन वैल्यू मतलब कि वन, यहाँ पे माइनस वन, वन ग्रेटर देन जीरो, के का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, के यहाँ पे फिर 0.05, ये भी ग्रेटर देन जीरो, और ये 0.3, ये भी ग्रेटर देन, सब कॉमन तीनों कहाँ पे आ रहा है, तो 4k ग्रेटर देन जीरो, 4k ग्रेटर देन जीरो पहला कंडीशन का आंसर हो गया। दूसरा के लिए बोला क्या कि वन रूट इन द राइट हैंड साइड, वन रूट डैट मीन्स कि देयर शुड बी ओनली वन साइन चेंज। तो ये पहला को तो ग्रेटर देन जीरो ही रहने दीजिए, यानी कि इसको ग्रेटर देन जीरो रहने दीजिए, इसको ग्रेटर देन जीरो रहने, सिर्फ इसमें साइन चेंज कर दिए, यानी कि इसको लेस देन जीरो कर दीजिए कंडीशन में, इसको ग्रेटर देन जीरो रहने दीजिए, इसको ग्रेटर, इसको लेस देन जीरो कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका कंडीशन आ गया, सेम वे में आप इसको फाइंड कर लीजिए।
के का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन, के का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन, के का वैल्यू ग्रेटर देन 0.3, के का वैल्यू ग्रेटर देन 0.3 एंड के का वैल्यू लेस देन 0.05, तो उससे आपका जो है के का रेंज आ जाएगा। ठीक, अब अगर टू रूट्स को अगर आपको राइट हैंड साइड में करना है, डैट मीन्स कि प्लस माइनस प्लस इस तरह का कुछ रहना चाहिए, तो पहला को तो ग्रेटर देन जीरो, दूसरा को क्या करिए लेस देन जीरो रहने दीजिए, तीसरा को फिर तीसरे कोफिशियंट को आप फिर ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से सारा कंडीशन सेट करिएगा तो ये आपका के का वैल्यू 0.05 से 0.03 आ जाएगा। सो डैट इज़ ऑल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन सीजी पीडीटीएम एग्जाम, सो बेस्ड ऑन द राउत क्राइटेरिया और राउत टेबल। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रूट लोकस पे फोकस करेंगे, रूट लोकस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे, फिर उसके ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।